घोसी लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर जी का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग परधान ब्लॉक के राजभर बस्ती में और यहाँ पे अरविंद राजभर जी ने प्रचार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, इस आरोप प्रत्यारोप में किस तरह से जनता को अपने वोटों को खींचने का काम कर रहे हैं। जी अरविंद जी, न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी मैं स्वागत करता हूँ इस घोसी लोकसभा में। कैसा प्रचार चल रहा है आज आप लोगों का? प्रचार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और सभी लोगों का जनसमर्थन पर्याप्त मिल रहा है, और जनता हाथों हाथ हमको लेने का काम कर रही है, और सब लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद जता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो उनका उत्साह देखते बन रहा है। और उत्साह सिर्फ महिलाओं में, बुज़ुर्गों में नहीं है, उत्साह यहाँ के युवाओं में भी है। अभी ये कार्यक्रम में आपने देखा जिस प्रकार से हमारे युवा साथी उत्साहित थे, कहीं ना कहीं अपने उत्साह को संकल्प में लोग बदल रहे हैं, और संकल्प में बदल करके आने वाली 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाएंगे। आपने कहा मन से कि दिल्ली में दुल्हन तैयार है, दुल्हा तैयार है, बस दिल्ली जाने की तैयारी है। दिल्ली जाना कौन दुल्हा कौन दुल्हन, ये एक उदाहरण था। उदाहरण लोकतांत्रिक उदाहरण है, राजनीति में एक बहुत आम भाषा में समझाने के लिए जनता को कह दिया जाता है, तो जिससे कि बहुत आसानी से लोग समझ जाएँ। तो सबसे आसान, क्योंकि एक परंपरागत तरीके से परिवार की स्थिति भी होती है, शादी विवाह वगैरह, तो बहुत आसानी से समझ जाएँ कि हम सब लोगों को एकत्रित होकर के चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबाना है। और जैसे कि जब शादी तय हो जाती है किसी की, तो भाई बारात लेके जाता है ना, तो जब बारात लेके जाता है तो कहा जाता है दुल्हा के साथ बारात, तो ये एक प्रकार से राजनीतिक दुल्हा के तौर पर माननीय मोदी जी ने हमको तैयार किया हुआ है। और जो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत है दिल्ली, तो एक काल्पनिक तौर पर मान लेते हैं कि वो सीट से मतलब वो है, तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जनता नेतृत्वकर्ता को ही मानती है। आपने कहा वोट वाले दिन पीली साड़ी पहन के माताएं बहनें आए, पीली साड़ी क्या है? संकल्प होगा, क्योंकि शुभ कार्य करने में हमेशा पीले वस्त्र का इस्तेमाल होता है, तो वोट के दिन सब लोग पीली पीली साड़ी पहन करके, उस दिन बूथ का नज़ारा कुछ अलग होगा, सब लोग देखेंगे कि पीली पीली साड़ी पहन करके मतदान करने जाएंगे। और इसके साथ साथ अभी माननीय मोदी जी 26 तारीख को आने वाले हैं, उस दिन भी हमने अनुरोध किया है अपनी महिलाओं से कि सब लोग जो है पीली साड़ी पहन के आइएगा, ताकि मोदी जी इस बात को समझे कि ये शुभ कार्य के लिए ये पीला वस्त्र धारण करके जो देवी रूपी माताएं आई हुई हैं, कहीं ना कहीं ये देश के विकास के लिए संकल्पित हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है 2047 का भारत देश को विकसित करने का, उस विकसित भारत में हमारा घोसी भी विकसित होकर दिखाएगा। कल शिवपाल जी आए थे, उन्होंने मन से कहा कि जो अरविंद राजभर उनके पिता हैं, अगर उनके कहने पर थाने पर बुलाया गया, अगर थाने से पुलिस बुलाती है तो ना जाए, धमकाया जा रहा है पिताजी की तरफ से? नहीं, मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि माननीय शिवपाल यादव जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहने के लोकतंत्र के लिए घातक भी है। और जनता इस बात को समझ रही है कि जिस प्रकार से इनके 4 बार के कार्यकाल में जिस प्रकार से गुंडई, अपराध, ये रेप, लूट, हत्या, ये चरम सीमा पर थी, तो जनता जानती है। मेरा मानना ये है कि लगता है कि समाजवादी की सरकार चली भी गई, लेकिन इनकी जो परंपरागत गुंडई वाली भाषा है वो नहीं जा पा रही है, तो इनके धमकी से कुछ होने वाला नहीं है, जनता सब जान गई है। और जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि हमको इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोगों को छड़ी का बटन दबाना है। राजीव राजी कह रहे हैं 580 के आसपास हत्याएँ हो गई ब्राह्मणों की, ये जो ब्राह्मणों का राग अलाप रहे हैं ये अभी क्यों याद आया है? इसके पहलवा जब वहाँ ब्राह्मण का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया इन्हीं के लोगों ने, समाजवादी के लोगों ने, देवरिया में, तो याद नहीं आया क्या? कुशीनगर में परिवार का समाप्त कर दिया, याद नहीं आया क्या? आपके लखनऊ में परिवार समाप्त हो गया, याद नहीं आया उस समय? चुनाव के समय क्यों याद आ रहा है? ये सब चीज़ें जनता जान रही है। चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे को उठाना कि ये हो गया वो हो गया, तो ये कहीं ना कहीं उनको अपने हार का डर सता रहा है, और वो अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। तो अंग्रेजों की नीति यहाँ चलने वाली है नहीं, यहाँ तो लोकतंत्र है, संविधान में जो नीति है उससे ये देश चलेगा, देश अंग्रेजों की नीति से नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ अरविंद राजभर जी, उन्होंने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की गुंडई से चलेगा। मऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।